हाय गाइस, मेरा नाम है प्रसाद और आज हम बात करने वाले के ऐसे अजीबो गरीब प्राणी के बारे में जो हम सब के लाइफ में होता है और कुछ टाइम के लिए वो जैसे हमें नचाना चाहता है वो वैसे नचाता रहता है। सो मैं बात करने वाले हूँ टीचर्स की। हाँ, टीचर्स बहुत ही अच्छे होते हैं, प्यारे होते हैं और हम जैसे बंदों के लिए तो वो भगवान का रूप होते हैं। मैं आपको ऐसे बेहतरीन एक से एक बढ़कर नमूनों से मिलाने जा रहा हूं जिसे देखकर आप एक ही बात कहोगे, ये तो डट्टी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर देना यार। पता चलता है मैडम बुड्ढी हो चुकी है, सास बहू के सीरियल से दिमाग बाहर आना नहीं चाहता, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दो और वो लोग तो आपके लंगोटिया यार है नहीं। आप टीचर हो, ज़रा रिस्पेक्ट से बात किया करो। अब हम मिलेंगे एक उत्कृष्ट हिंदी के अध्यापक से। वो संज्ञा यानी वो मैं मेरे सुबह की दवाई लेना भूल गया तो सिर में दर्द हो रहा है। हटो संज्ञा, वो क्या होता है, वो रामू हलवाई की बेटी। रुको, नहीं, वो मेरे मन में है पर क्या जुबान पे नहीं आ रहा। मैं आप जैसों को जवाब देना पसंद नहीं करता। हटो, जाने दो, हटो। देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी क्या है? राष्ट्रपति। भारत का प्रधानमंत्री का क्या नाम है? नहीं जानती। पढ़ाने वाले टीचर पढ़ाने की बजाय खर्राते लेने में मशगूल है। इनके वजह से तो आज इंडिया आगे बढ़ नहीं पा रहा। इन्हें उनके काम से कुछ मतलब ही नहीं है। वो आते हैं और सिर्फ कुर्सियाँ गरम कर कर निकल जाते हैं। तो टीचर्स की बात हो रही है तो हम इंग्लिश टीचर को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो तो सबसे महान है। चलिए देखते हैं। मैडम जी, मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता है, ये आप पढ़ाना बिड़ाना छोड़िए और भैंस की टट्टी जाकर साफ कीजिए। ए पी आई एल एप्पल, मैं तेरे को फेंक के मार के चप्पल निकल। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत। ऐसी इंग्लिश सुनने के बाद इस मैडम को भी ऐसा ही रिप्लाई मिला होगा। ये शारदा सिंह है और हम इनसे ये पूछ रहे हैं कि आप अपना नाम कैसे लिखती हैं। ब्लैक बोर्ड है और ये अपना नाम लिख के दिखा रही हैं। आपका नाम शारदा सिन्हा है ना? हाँ। सिन्हा की स्पेलिंग लिख रहे हैं। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी जाता हूँ। इस मैडम का सॉरी सुनने के बाद लाइफ में फिर कभी सॉरी बोलना भूल जाओगे। अभी ध्यान नहीं है सर। जब टीचर शारदा सिन्हा को ये लगा कि अब पीछा नहीं छूटेगा तो माफी मांग ली और उन्होंने सॉरी कह दिया, लेकिन ऐसा सॉरी आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अभी ध्यान नहीं है सर।
सॉरी आप बोल रही हैं, सॉरी की स्पेलिंग बता दीजिए। चलिए सॉरी की स्पेलिंग आप बता दीजिए, सॉरी की स्पेलिंग आप मुझे लिख के दिखा दीजिए। सॉरी की स्पेलिंग लिखने के नाम पर टीचर को पसीना आने लगा। आप मुझे सॉरी कहे, उन्होंने हिंदी में सॉरी लिखने की बात कही। हिंदी में लिख देते हैं। आप सॉरी बोल रही हैं, सॉरी तो अंग्रेजी का शब्द है ना। मैं तो हिंदी पढ़ाती हूँ, हिंदी जानती हूँ। लेकिन आप उनकी तरफ देख रहे हैं, कोई मदद नहीं कर पाएंगे। हिंदी हम लिख देती हैं, हिंदी में। और जो सॉरी लिखा उसकी स्पेलिंग भी देख लीजिए। ऐसे महान टीचर्स के स्टूडेंट पे एक छोटी सी झलक मारते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। इन बेचारों की कोई गलती है ही नहीं, ऐसे महान टीचर्स उन्हें पढ़ाएंगे तो ये तो होने ही वाला है। इसी बात पे वीडियो को एंड करते हैं और वीडियो को लाइक कर देना, कर ही दो यार, बहुत मेहनत लगी है वीडियो को बनाने में। जाते जाते एक छोटी सी लाइन दिमाग में आ रही है, वो सुन लो। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, बट ऐसे पढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ऐसे खतरनाक टीचर्स सबको देखने चाहिए। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।